subscribe now for all the latest and trending updates. एक्टिंग में करियर बनाने के लिए सुंदरता का काफी महत्व माना जाता है। कई बॉलीवुड एक्टर्स योग करती हैं, तो कई घरेलू नुस्खे आजमाकर सुंदरता को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। कई एक्ट्रेसेस तो प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले लेती हैं ताकि बाकियों से ज्यादा आकर्षक लगें, जिसके चक्कर में उनकी पूरी शक्ल बिगड़ जाती है। आज हम आपको उन्हीं एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने ज्यादा खूबसूरत दिखने के चक्कर में प्लास्टिक सर्जरी कराकर अपनी नेचुरल सुंदरता गायब कर दी, और वो प्लास्टिक सर्जरी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हुई हैं। प्लास्टिक सर्जरी का नाम जब भी लिया जाता है तो बॉलीवुड की वांटेड गर्ल आयशा टाकिया उसमें जरूर शामिल होती हैं। शादी के बाद आयशा फिल्मों से गायब हो गई। जब एक इवेंट के दौरान उन्हें देखा गया तो सब चौंक गए। सर्जरी के बाद उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। आयशा को उनकी बाद वाली तस्वीरों में पहचानना काफी मुश्किल था, क्योंकि उनकी गलत सर्जरी की वजह से उनका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया, जिसके बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर भी आने बंद हो गए। प्लास्टिक सर्जरी के कारण आयशा का करियर भी खराब हो गया। इसके अलावा राखी सावंत भी इस लिस्ट में शामिल होती हैं। जी हाँ, राखी सावंत किसी ना किसी वजह से तो हमेशा ही चर्चा में बनी रहती हैं। एक समय था जब राखी अपनी प्लास्टिक सर्जरी के कारण काफी ट्रोल हुई थी। राखी ने कई सर्जरी करवाई हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोलर्स प्लास्टिक की दुकान तक कह चुके हैं। सोशल मीडिया पर आज भी लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। राखी सावंत ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म अग्निचक्र से की थी। खुद को और भी आकर्षक बनाने के लिए राखी ने सर्जरी का सहारा लिया। उनके होंठ पहले काफी पतले थे, ऐसे में उन्हें थोड़ा मोटा बनाने के लिए राखी ने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, पर दर्शकों को उनका नया लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके अलावा कोयना मित्रा ने आकर्षक दिखने के लिए साल 2011 में अपनी नाक की सर्जरी करवाई थी, लेकिन ये ट्रीटमेंट उनके लिए काफी हार्मफुल साबित हुआ था। इस सर्जरी के बाद उनकी हड्डियां सूजने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने अपने होठों की भी सर्जरी कराई थी। इस सर्जरी ने उनका चेहरा ही नहीं बल्कि करियर भी तबाह कर दिया। काफी समय बाद उन्हें बिग बॉस 13 में देखा गया, जहां उन्होंने ये बात स्वीकार की कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके अलावा कमल हसन की बेटी श्रुति हसन सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत की भी चर्चित एक्ट्रेसेस में से एक हैं। श्रुति की खूबसूरती के लोग दीवाने हैं। उन्होंने खुद इस बात को माना कि उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी कराई है। पहले की फोटोज और अब की फोटोज की तुलना करेंगे तो ये अंतर नजर आता है। श्रुति एक एक्टर के साथ साथ अच्छी सिंगर भी है। इसके अलावा इंस्टाग्राम स्टार सहर ने मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली की तरह दिखने के चक्कर में अपना चेहरा बिगाड़ लिया। साल 2017 में उन्होंने करीब 50 सर्जरी कराई ताकि एंजेलिना जोली की तरह दिख सके। सहर ने तब बताया था कि वो अपना वजन 40 किलोग्राम से ऊपर नहीं होने देती, लेकिन एंजेलिना बनने के चक्कर में उनका चेहरा ही खराब हो गया। सुंदर और आकर्षक दिखने की होड़ में उनका चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। लोग उन्हें काफी ट्रोल करते हैं और वायरल हो रही उनकी फोटोज पर जॉम्बी और भूत जैसे कमेंट भी करते हैं। खैर दोस्तों, आप इस सब पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल इंट्रेंड न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।